पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में अवाम के लिए सेहत की सहूलतें बहुत कम हैं। करोड़ों अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के बावजूद इलाज नहीं करवा सकते। सरकारी अस्पताल भी मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद और कम सहूलतों के बाइस दबाव का शिकार हैं। इन हालात में PWA या पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे इदारे गरीबों के लिए राहत का सबब हैं। गुज़िश्ता 39 बरस से PWA सिविल अस्पताल कराची के मरीजों की मुख्तलिफ शोबों में मदद कर रही है। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक फलाही इदारा है जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। ये इदारा सिविल हॉस्पिटल के और सिविल हॉस्पिटल से बाहर के मरीजों को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन सर्विसेज के अंदर ब्लड बैंक, ड्रग बैंक और थैलेसीमिया सर्विसेज मेनली हैं। ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पेशेंट से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये PWA का वॉलंटरी ब्लड बैंक है, जहाँ पे रजाकाराना तौर पे लोग आके अपने खून के हथियार देते हैं। ये जगह 1983 में बनी थी और जब हमने शुरू किया था काम तो सिर्फ एक ही बैग दिन में डिस्पैच होता था, जबकि अब देखा जाए तो हम दिन में 250 से ज्यादा बैग फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पैच करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ पे किसी भी किस्म की सर्विस का कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई मुआवजा नहीं लेते। एक सिंगल बैग की स्क्रीनिंग, सिर्फ स्क्रीनिंग को देखा जाए तो उसमें 1300 से 1400 के करीब खर्चा आता है। PWA के एक इम्तियाजी खूबी ये है कि यहाँ पे कोई भी कैश काउंटर मौजूद नहीं है। यहाँ पे मरीजों से और उनके रिलेटिव से जो भी आते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेके, उनसे किसी भी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लिया जाता। ये सर्विसेज जो हैं वो 1979 में स्टार्ट की गई थी और स्टार्ट जो है वो एक सिंपल ड्रग बैंक से हुई थी और उस वक्त सिर्फ 3 वॉलंटियर्स थे जो अपनी ओन पॉकेट मनी से मेडिसिन परचेज करके पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू ईयर्स लेटर 1982 के अंदर ब्लड बैंक स्टार्ट हुआ था, 86 के अंदर हमारी डायग्नोस्टिक लैब और फॉलो अप क्लिनिक स्टार्ट हुआ था। ये सर्विसेज हम लोग जो हैं वो सारी की सारी फॉर द पास्ट 39 ईयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड करें सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंजेक्शन हैं, वो काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और हम ये नहीं देखते कि कितनी क्वांटिटी जा रही है, हम ये देखते हैं मरीज को जरूरत है, हम दे देते हैं। हमारा जो थैलेसीमिया डिपार्टमेंट है, इसके अंदर हम लोग कुछ बच्चों को रजिस्टर करके फिर उनसे जो है वो उनका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। थैलेसीमिया बेसिकली एक लाइलाज मर्ज है जो कि पैदाइश के फौरन बाद जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके जो है वो असरात जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली खून की एक बीमारी है जिसकी वजह से खून जो है वो आपका जो 3 माह में खून आपका जो तब्दील होना है वो 1 माह भी बड़ी मुश्किल से गुजार पाता है। इसकी वजह से बच्चों को मुसलसल खून की जो है वो फरहमी की जरूरत पड़ती है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगती हैं। बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की वजह से जो है कुछ और जिसम में मुजर असरात होते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उनको बड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन जो हैं और ट्रीटमेंट देते हैं जिसको आयरन कीलेशन थेरेपी कहते हैं। आयरन कीलेशन थेरेपी जो है कोई सस्ती ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम लोग इस वक्त जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 पेशेंट्स को जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और सालाना इसका जो है अखराजात हमारा तकरीबन 2 करोड़ है।